अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरी फर्स्ट सैलरी आ चुकी है जो मेरी ऑनलाइन अर्निंग की थी। ऐसा ही पैसा हो गया। आप कैसे हो? मुझे नहीं मिले। बेटे की फर्स्ट सैलरी मिली है। फर्स्ट सैलरी मिली है, बेटे ने मुझे दी है 30 रुपए। इसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं। तो भाई ख्याल कर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो मेरी ना मुझे फर्स्ट सैलरी रिसीव हो गई है, ठीक है? आप लोग चेक कर सकते हो, ये है जी मेरी फर्स्ट सैलरी ऑनलाइन अर्निंग की फर्स्ट सैलरी। सो अब मैं जो है ना अपने फादर को देने जा रही हूँ। चलिए, उनके बेटे ने कमाया ये। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी फर्स्ट अर्निंग सैलरी आ चुकी है। तो इससे मैं करना, अब मुझे करना तो कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कि पापा को दे देना चाहिए। सो रहा नहीं जाता। थैंक यू सो मच। तो भाई बहुत सारे लोग जो ना बेटों की ख्वाहिश करते हैं और बेटियों को डीग्रेड करते हैं, तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देने जाऊंगा। बेटा हो या बेटी हो, उसको आप जैसा रखेंगे वो वैसे ही करेंगे। देखें ये माशाल्लाह मेरी बेटी ने कमा के दिए, और इसके अलावा भी वो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
मेरी बेटी ऑनलाइन काम करती है माशाल्लाह, और दिखाना पीछे एमसीसी ब्यूटी स्टोर हमारा, ये हमारा स्टोर है, हमने घर के अंदर ही बनाया हुआ है। हम बहुत ज़्यादा पोअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर हमने कभी भी किसी को रोना धोना नहीं डाला, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और आज देखें हम सक्सेस हो गए, और इंशाल्लाह इसी तरह मेरी बेटी को अल्लाह ताला सक्सेस रखे और हमें भी इसको मोहब्बत देने और मोहब्बत बांटने की तौफीक अता फरमाए। सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अपना हो गया तो अल्लाह हाफिज़। अब मम्मा की बारी, अब मम्मा को तो देना, तो मम्मा ने इतनी बुरी हालत बनाई थी। मम्मा जी, मम्मा जी, आपके बेटे की फर्स्ट सैलरी, ये लो रिएक्शन टाइम, ये लो। मम्मा, मम्मा इग्नोर, सही है, मम्मा इग्नोर, ओए इग्नोर कर दिया, ये लो मम्मा, मम्मा इग्नोर, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। पैसे मिलने के बाद सब अल्लाह हाफिज। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग, न्यू व्लॉग। मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों को नजर आ रही हूँ, आई नो डैट, क्योंकि मेरे पास कोई व्लॉग करने के लिए कुछ था नहीं यार, मैं क्या बनाती, बट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज मेरी पेमेंट भी आई है, और उसके अलावा जो पेमेंट आई थी वो तो गई, मैंने मम्मा पापा को दे दी, वो अब हो गए हैं जी सौदा लेने के लिए, और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं किचन में जाऊंगी और कुछ पकाऊंगी अपने लिए। मतलब मैं किचन में बहुत ही कम जाती हूँ, बट कभी कभार जब मेरा खुद का दिल होता है तो मैं चली जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुछ स्पेशल सा। पहले तो हमें किचन की हालत देखनी होगी कि किचन की क्या हालत है, और अभी हम चलते हैं किचन में और चेक करते हैं कि किचन में क्या सूरत हाल है और मैं क्या पकाऊंगी। पहले तो चेक करते हैं क्या क्या अवेलेबल है, देन उसके बाद ही हम कुछ पका सकते हैं, अगर सामान अवेलेबल हुआ तो, वरना मंगवाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो चलिए चेक कर लेती हूँ किचन जाके, और किचन को भी समेटना पड़ेगा और उसकी हालत देखते हैं पहले, फिर जो है हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। सो यार, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि रेगुलर वीडियो आप लोगों को वॉच करने को मिले। गाइस, किचन की कुछ ये हालत है, ठीक है, जो कि मुझे ही समेटनी पड़ेगी, आई नो डैट। तो चलिए इसे समेटते हैं और अपने लिए कुछ पकाते हैं अमेजिंग सा। भूख लग रही है भाई, पकाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा, देखते हैं क्या आइडिया आता है मुझे पकाने के लिए। सो गाइस, पहले हम समेटेंगे किचन को, क्योंकि किचन की हालत ऐसी नहीं लग रही कि मैं यहाँ खड़ी होकर कुछ पका सकूँ, क्योंकि चूल्हा एक ही है और पकाना मुश्किल हो जाएगा एक चूल्हे पे। तो पहले मैं समेट लेती हूँ किचन, फिर कुछ निकालती हूँ पकाने के लिए। सो सबसे पहले तो ये बंद कर लेते हैं, पहले सब समेटेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। असल में खाना खाते हैं ये लोग और ऐसे ही रख देते हैं कि कोई आएगा करने, और मुझे दिल चाह रहा है चाय पीने का, लेकिन मैं अभी अभी पी के बैठी हूँ, देख सकते हैं आपका। बर्तन तो उतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि सुबह धोए थे। पहले समेट लूँ। गाइज, मैं सोच रही थी कि आलू की चिप्स बनाऊँ,
या आलू की जो है ना चाट बनाऊँ ना, तो मैंने आलू हर जगह ढूंढ लिए लेकिन मुझे आलू नहीं मिले। लेकिन परसों मम्मा जो है ना मैक्रोनी लेकर आई थी, तो मैं उसी को ढूंढ रही हूँ कि भाई मैक्रोनी मिल जाए तो मैं मैक्रोनी बना लूँ। सो केचप वगैरह भी सब एंड हो गया, तो थोड़ा सा ही केचप बचा है, लेकिन मैंने मंगवाना पड़ेगा, बच्चों को ढूंढना पड़ेगा और मंगवाना पड़ेगा। भाई यार गली के बच्चे सुनते नहीं हैं, अब क्या मैं बाहर लेने जाऊँ? अच्छा लगेगा, मैं बाहर लेने जाऊँगी। सो मैं मैक्रोनी ढूंढ रही थी, मुझे जो है ये तो मिल गई हैं पापड़ियाँ शापड़ियाँ, जो कि मैं तल कर जो है वो रखूँगी, सर्व करूँगी अपने लिए, अपने आप को सर्व करूँगी। लेकिन मैक्रोनी नहीं मिल रही, उसी को मैं छानबीन कर रही हूँ, वो कहाँ रख दी, कहाँ छुपा के, क्योंकि हमारे घर में मैक्रोनी स्पेगेटी या मैगी आ जाए ना तो बचती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे जैसे ही हमारे घर में एंटर होती हूँ और नेक्स्ट डे मैं पका लेती हूँ और सबको खिला देती हूँ, मतलब आप लोग समझ रहे हो चट्टा बट्टा सब खत्म। लेकिन मैंने हर जगह ढूंढ ली लेकिन मुझे मैक्रोनी नहीं मिली, मम्मा सही वाली जगह छुपा के चली गई हैं, मिलने में ही नहीं आ रही है। मुसी मैक्रोनी देखिए कहाँ रखी गई है अम्मा, मैक्रोनी कहाँ, कौन सा साइड, सारे चेक कर लिए, आके बताओ जल्दी। सो अभी ढूंढवाएंगे, मतलब पूरी जगह मैंने चेक कर लिया लेकिन मुझे एक भी जगह नहीं मिला, क्योंकि मैं किचन में आती बहुत कम हूँ, साफ सीधी सी बात है, आती बहुत ज़्यादा कम हूँ। तो आज मुझे खुद पर्सनली भूख लग रही थी तो मैं आ गई हूँ, मैं ऐसे चाय बनाने के लिए आती हूँ या कुछ गर्म वगैरह करना हो तब आती हूँ, अदरवाइज नहीं आती किचन में। गाइस ये सारे कवर्ड चेक करने के बाद वो देखें कॉर्नर पे कहाँ छुपा के रखी हुई, ये रही यहाँ छुपा के रखी हुई थी, और ये मैंने ढूंढी, हाँ ये मुझसे ने ढूंढी, और एक हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल है भाई। सो मैंने फाइनली ढूंढ ली है, ये रही है हमारी मैक्रोनी। आई होप सो कि इसके साथ मसाले भी हों, ले मसाले की कुछ ये हालत है, मसाला भी मिल गया, आज मैं सारे मसाले ट्राई करूँगी, इसे यहीं रख दो, शाबाश। और अब हमने रखना है जी, ओबे भाई अभी गिरता, एक हाथ से काम करना है, इट्स वेरी 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 हार्ड। ये मैंने निकाल लिया है मैक्रोनी, मतलब छुपा के कहाँ गई थी भाई, सारे कवर्ड छोड़ के वो ही कवर्ड मिला एक कोने वाला, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ मैं घुसती नहीं, क्योंकि यहाँ मम्मा के जो है ना मतलब यहाँ मम्मा का सामान होता है सारा, कांच का या बाउल वगैरह जो है ना, मेहमान वगैरह तब आ जाए, ये वो वाला सामान होता है, बट इतनी कोने में छुपाया, वाह वाह मम्मा वाह। फाइनली गाइस हमें मिल गई है हमारी मैक्रोनी विद मसाला विद केचप, सब कुछ मिल गया हमें, अब सिर्फ हमें चाहिए एक पतीली, तो मैं पतीली निकाल लेती हूँ, नीचे जाना पड़ेगा। हाय हम आ गए। सो पतीली में शोर होता है पकाने में, मतलब अगर किसी को अगर कोई नया पका रहा हो तो शोर तो होता है, सीखना है ना भाई, सीखना भी तो है ना। तो चलिए इसे वॉश करते हैं, और इसके अंदर जो है ना हमें बॉयल वाटर करना पड़ेगा, ठीक है। सो साइड पे करते हैं सब कुछ, आग जलानी पड़ेगी ना, मतलब डेंजरस वर्क है यार, मैं चाय बनाने आती रहती हूँ, चाय बना ली या अगर मुझे कुछ खाना स्नैक्स वगैरह होते हैं तब मैं अपने लिए आती हूँ सिर्फ किचन में, या मम्मा वगैरह को कुछ चाहिए होता है तब आती हूँ, या खाना वगैरह पकाना हो, हफ्ते में एक बार महीने में एक बार चक्कर लग जाता है इस किचन का यार। लेकिन अगर मुझे बर्तन वगैरह धोने हो तो रेगुलर आना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं पकाना। अच्छा जी, तो सब इग्नोर कीजिएगा आप लोग बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है, मैं पका रही हूँ, मेरी मेहरबानी, मैं किचन में आई हूँ, मेरी मेहरबानी। तो भाई यही होता है मिडिल क्लास में, तो अब जो मिल गया वो पकाते हैं। हाँ वॉश कर ली है, इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। तो गाइस मैंने सोचा कि लाइटनिंग वगैरह कर ली जाए यहाँ पर, क्योंकि लाइट बहुत कम पड़ रही है, तो जब मैंने स्विच ऑन ऑफ किया तो पता चला कि स्विच तो सही है बट बल्ब खराब है, मतलब मेरा टाइम ही खराब चल रहा है, और अभी मोबाइल भी गिरने वाला है, जिस तरीके से हिल रहा है ना मुझे लग रहा है कि मोबाइल भी गिरने वाला है। सो स्विच ऑन करने पर बल्ब खराब है, मेरी किस्मत भी खराब होने ही वाली है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो जी स्टार्ट करते हैं कुकिंग करना, पहले कुछ पकाते हैं, पकाने के लिए काटना पीटना भी पड़ेगा, तो सामान भी लेकर आते हैं काटने पीटने के लिए। गर्मी बहुत लग रही है भाई, मैं एसी थोड़ी लगवा सकती हूँ यहाँ पर किचन में, एसी कौन लगवाता है, गम्मी लग रही है गम्मी। सो गाइज अब हमें करनी है फ्लेम ऑन, मेरी तरह लाइटर भी खराब है, जल गया। मैं
डर रहती है थोड़ा चूल्हे वूल्हे से ना बट क्या करें, खाना है तो पकाना भी है। फ्लेम ऑन कर दी है, इसके उबाल आने तक का इंतजार करते हैं। मैं लेकर आती हूँ जब तक प्याज, टमाटर टोमेटो ओके और अनियन लेकर आती हूँ मैं, टोमेटो लेकर आती हूँ और जितना भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड होंगे वो लेकर आती हूँ। इन उर्दू मैं प्याज लेकर आती हूँ, टमाटर लेकर आती हूँ और जितने भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, मतलब जितनी भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होनी है वो लेकर आती हूँ। समझ गए, इंग्लिश और उर्दू में मैंने आपको दोनों में गाइड कर दिया। गाइस मैं थोड़ी सी पागल हो गई हूँ बट अफोर्ड करना पड़ेगा आप लोगों को अगर ब्लॉग देखना है तो। हाय अल्लाह मेरे शौक, छोटे छोटे मिनी मिनी से मैं तब तक लेकर आती हूँ काटने पीटने का सामान, तब तक आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं यूं गई और यूं आई। सो गाइस मैं ये लेकर आ चुकी हूँ काटने पीटने का सामान, बट एक गलत काम हो चुका है, टमाटर नहीं मिले, टोमेटो नहीं मिले मुझे, ठीक है, इट्स फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड। अब प्याज काट लेते हैं, मैं प्लेट ले आऊं। मैं जब कुछ पकाने आती हूँ ना तब तो कुछ होता ही नहीं है इस किचन में, क्योंकि मैंने आपको बताया मम्मा सौदा लेने गई हुई है। मैंने पेमेंट दी, उन्होंने कहा सबसे पहले हम करेंगे राशन फुल, सो अभी गई हैं वो मतलब सामान लेने के लिए, राशन लेने के लिए घर का। तो जब तक वो आती हैं मैं कुछ पका लेती हूँ और उनको भी टेस्ट करवाऊँगी, बट तब तक ब्लॉग शायद एंड हो चुका हो क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी या नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। मैं इसे काट लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ प्याज है यार, आँखों में लग रही है। ये भी बॉयल हो रहा है वाटर ना, सो मैं इसको फिनिश कर लूँ मतलब काट लूँ फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही थी और आपको मोटिवेट भी करना चाह रही थी। एक बात आपको पहले बताती हूँ फिर मैं अपना जो है ना आपको बताती हूँ स्टोरी। पहली बात ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वायरल हो रहा है एक यूट्यूबर, ब्लॉगर है वो भी, लेकिन वो पहले पेट्रोल पंप पे काम करता था बट अब उसने वो काम छोड़ दिया है, वो भी एज अ ब्लॉगर काम कर रहा है, बट आप लोगों ने उसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट की, इतनी ज़्यादा सपोर्ट की है, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग भी छोटे क्रिएटर को कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और पेट्रोल पंप वाला जो यूट्यूबर है, मैं देख रही थी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बट नेम मिस्टेक, नाम मैंने सही से पढ़ा नहीं उसका। सो उस यूट्यूबर को देख के बहुत सारे जो है हमारे क्रिएटर्स हैं या जो ब्लॉगिंग नहीं करते थे या जो घर पे फारिग बैठे रहते थे, तो उन लोगों ने भी उसको देखकर जो है ना ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, मतलब उसकी वीडियो देखकर उसकी बातें सुनकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं। क्योंकि हर किसी के घर की हालात, हर किसी के घर की कंडीशन फिजिकली वैसी नहीं होती जैसी आप लोगों को दिख रही होती है, और आप लोग यही कमेंट पास करते हैं कि भाई इसके तो हालत बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड, पीछे की बातें, जो उनकी फैमिली मैटर्स होते हैं वो आप लोग नहीं जानते पर्सनली। तो किसी भी बंदे को ये कहने से पहले कि आप ऐसे हैं या वैसे हैं, तो पहले आप लोगों को उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, किसी भी बातों पर यकीन नहीं करनी चाहिए। बाय द वे मैं खुद भी मोटिवेट हुई थी, अच्छा लगा उसे देख करके, आप लोगों ने उसे बहुत सारी सपोर्ट की और वो आज माशाल्लाह माशाल्लाह एक मकाम पर है, एक यूट्यूबर है। और सिर्फ ये बताकर कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और हम भी यही कि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों टाइम खा रहे हैं और चटनी रोटी खाएं, दाल रोटी खाएं, बट खा रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करके, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हर इंसान को हर हालत में हर चीज़ दूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें रोना गाना गाने की आदत होती है, सब कुछ होते हुए भी वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो सब है जो हम करना चाहते हैं या हमारे पास। आप लोगों ने उन लोगों को देखा जो एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, फिर भी अल्लाह ताला उन्हें खिला रहा होता है, उन्हें ज़िंदा रखा होता है अल्लाह ताला ने। सो गाइस हमें कभी भी अल्लाह ताला ना शुक्री नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ना शुक्री करने वाले को अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं करता। सो हमें ना शुक्री बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, सब कुछ होते हुए भी अगर अल्लाह ताला का ना शुक्रापन करते हैं आप लोग,
तो अल्लाह ताला बिल्कुल भी आपसे खुश नहीं होता। जो चीज़ आपको दी हुई होती हैं, जो रिस्क आप खा रहे होते हैं, वो भी उसका दिया हुआ है। भले आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिस्क वो देने वाला है, उसी की जात है जो आपको खिला रही है बिठा के। लेकिन गाइस कभी भी ना शुक्री नहीं करेगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खाएं, ये बोल के खाएं कि हम तीनों टाइम हंसी खुशी खा रहे हैं और पेट भर के खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खा भी नहीं पा रहे, जो रोड पे सो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के, हमारे सर के ऊपर छत है और किसी के पास ये भी नहीं है, कोई रोड पे सो रहा है तो वो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। लेकिन यहाँ हमारे पास शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह ताला के लिए एक वर्ड भी नहीं है। सो गाइस सोचें इस बारे में कुछ, और ऐसा करने से गुरेज करें कि कभी भी नाशुक्री ना करें, हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नमाज़ पढ़ें 5 टाइम की, और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ने कहा है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तो सिर्फ उसी की ज़ात है जो तुम्हें खिला सकती है, उसी की ज़ात है जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। और आपने दुआ यही मांगनी है, या अल्लाह मैं तुझ ही से मांगता हूँ और तू ही देने वाला और तू ही देगा। तो इंशाल्लाह देखें हालात कैसे भी हों, कभी अच्छे हालात आते हैं और कभी बुरे हालात आते हैं। मीन्स के कभी आप लोग ऐसा वक्त देख रहे होते हैं जब आप लोगों की पसंद की हर चीज़ आप लोगों के सामने आ रही होती है और आप उसे परचेज कर रहे होते हैं, आप उसे ले रहे होते हैं, आपको वो मिल रही होती है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी होता है जिस टाइम आप लोगों को कुछ चीज़ पसंद भी आ रही होती है या आप लोग उसे लेना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन हालात की वजह से, क्राइसिस की वजह से आप वो बाय नहीं कर सकते या आपको वो चीज़ मिल नहीं सकती। तो उस वक्त आप लोगों की टेस्टिंग हो रही होती है, अल्लाह ताला आप लोगों को आजमा रहा होता है कि ये बंदा मेरे टेस्ट पर कैसा पूरा उतरता है या नहीं। या आप लोग शुक्र अदा करते हैं या मुँह नाक बनाते हैं कि भाई अल्लाह ताला मैंने तो आपसे ये मांगा था लेकिन आपने मुझे दिया नहीं, तो ये नाशुक्रीपन हो गया। अल्लाह ताला दुआ सबकी सुनता है, लेकिन वो वक्त का इंतज़ार करता है, सही वक्त का इंतज़ार करता है कि उस वक्त आपकी ये दुआ कबूल होनी है। ये नहीं कि आप लोगों की दुआ, आप लोग दुआ कर रहे हैं लेकिन वो कबूल नहीं हो रही, वो दुआ आपके सही वक्त का इंतज़ार कर रही है कि आपका जब सही वक्त आएगा तभी आपकी वो दुआ कबूल की जाएगी। और अपना माइंड चेंज करें, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करें, वही एक ज़ात है जो हमें खिला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर हाल में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की हर एक दुआ कबूल होगी, बस आप लोगों ने उस अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है। सबर, जानते हैं इस वर्ड को, पेशेंस। पेशेंस एक ऐसा वर्ड है जो आपको ये बताता है कि आप लोगों ने सबर करना है, पेशेंस करना है। किसके लिए पेशेंस करना है? अच्छे फल के लिए। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं होते और आप लोगों का किसी चीज़ का दिल चाह रहा होता है कि मुझे खानी है या लेनी है, बट वो आप लोगों को मिल नहीं रही होती क्योंकि आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उस चीज़ को ख़रीद सको, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप लोग वो चीज़ ख़रीदते हैं, लेते हैं और इतना खुश होते हैं, लेकिन उस हालत में भी आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते क्योंकि दिया उसी ने, कबूल उसी ने किया है आपकी दुआएं, सारी जितनी भी आप लोगों ने की हैं सब उसने कबूल किया है, लेकिन आप लोग ये कभी नहीं मानते। तो जिस वक्त आप लोगों की सारी दुआ कबूल हो तब भी उस रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतना दिया कि आप लोग वो चीज़ खरीद पा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत थी, जिसकी आपको नीड थी, जो चीज़ आपको चाहिए थी और आपने वो ख़रीदी। एक बात और है लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, ऐसी डिटेल वीडियो लाती रहूंगी और आपको मोटिवेशन भी दूंगी और आपको समझाऊंगी भी अच्छी अच्छी बातें। क्या पता मेरी वीडियो देखने से या मेरी कोई बात वीडियो में आप लोगों को पसंद आ जाए और आप लोग मुतवज्जा हो जाएं। सो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो लोग हैं, मुझे देखने वाले, मुझे चाहने वाले, वो बस चेंज हो जाए, बैक टू अल्लाह, कम बैक टू अल्लाह एंड ट्राई बेस्ट। नमाज़ पढ़े हर हालत में, मना नहीं है आप लोगों को कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, आप हर वो चीज़ करें जो आपको पसंद है, लेकिन एक हद में रहकर, ठीक है, एक हद में रहकर आप वो चीज़ करें।
आपको किसी इस्लाम में किसी काम का मना नहीं है, जिस काम का मना है वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगी आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मना है, हराम है चीज़ें इस्लाम में, ठीक है। आप लोगों को किसी भी काम का मना नहीं है, आप हर काम करो लेकिन हुदूद में रहकर, हद होती है उसमें रहकर। इंडिपेंडेंट दो, लड़कियों को आज़ादी दो, लड़कों को आज़ादी दो लेकिन हद में रहकर, ठीक है। आई होप सो आप लोग मेरी बातें समझ आ रही हो और आप लोग भी कुछ सोचें। गाइज मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो चाहने वाले हैं या मेरी वीडियो जो देख रहे हैं, वो मुझसे कुछ सीखें और उस पर अमल करें, ठीक है। ये नहीं एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला। मैं चाहती हूँ जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे लोग हैं प्यारे प्यारे चाहने वाले, वो मेरी बातों पर अमल करें और कुछ करके दिखाएं। ये नहीं कि आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, आगे शेयर भी नहीं किया। अच्छा, अल्लाह ताला को एक और बात बहुत पसंद है, वो ये कि आप लोग जो है ना किसी चीज़ को सुने, ठीक है, उस पर खुद अमल करें फिर आगे उसको बताएं, ठीक है। जैसे यही कुरान का है कि पहले आप खुद सीखो, पढ़ो, समझो और फिर उसे आगे शेयर करो, आगे लोगों को समझाओ, और जिनको आप समझाओ उनको इस तरह समझाओ कि वो उस पर अमल करें, उनकी भी थॉट्स चेंज हों। आई होप सो कि आप समझ रहे हो बात को। मुझे लगता है आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने इसके अंदर आप लोगों को बातें भी शेयर की, बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें शेयर की हैं और कुछ ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो गई है, फिर जब कुछ बताने बैठो ना यार बातें पता ही नहीं चलती, ख़त्म नहीं हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिससे आप लोग भी मोटिवेट होंगे और आपको भी दिल लगेगा। अभी थोड़ी थोड़ी मतलब व्लॉगिंग में आप लोग कुछ सीखें और इंशाल्लाह फिर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। ना मुझसे नुकसान होता है, गरम गरम कोई नहीं, अल्लाह खैर। किचन की हालत ऐसी है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं क्योंकि सब कुछ खराब शराब हुआ हुआ है, बाकी पीछे की तो हालत आप देख ही सकते हो। जो है अभी के लिए इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला ने इतना दिया तो सब चेंज करेंगे। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपना खुद का घर लूं और इंशाल्लाह लूंगी। वो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Oh, 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 oh